गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस लेसन में पर्टिकुलरली आपको मैं बताऊंगा मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मीनिंग होता है हिंदी में प्रस्तावना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं प्रीएम्बल आपको बताता हूं क्या है। प्रीएम्बल है, द प्रीएम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड्स इज, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली resolved to constitute India into a sovereign socialist SSSDR, sovereign, ये words का जो क्रम है ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला यस का मतलब है socialist, second यस secular, no पहला sovereign socialist secular democratic and republic, इनका क्रम जो है वो याद रखेंगे। पहला है सोवेरियन, सेकेंड सोशलिस्ट, थर्ड सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। प्रीएम्बल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी मींस भाईचारा, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अब आते हैं इसके meanings क्या हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, ये जो इसकी प्रस्तावना है constitution की उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग या be the people of India, उसका क्या meaning है। फर्स्ट वर्ड का मीनिंग हम देखते हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का मीनिंग है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग आर एनी आउटसाइड रूलर्स। ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप किया गया है एंड इनेक्टेड, जो रूल्स लागू किए गए हैं, ये किसके द्वारा किया गया है, इनडायरेक्टली पीपल, पीपल के द्वारा, लेकिन डायरेक्टली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है जिन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भाग लिया उनके द्वारा, और इनडायरेक्टली हम कहें तो ये पीपल्स के द्वारा बनाया गया कंस्टिट्यूशन है। एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग, ये किसी राजा या महाराजा के द्वारा नहीं दिया गया है, ये इन लोगों के द्वारा बनाया गया है। सम पार्ट्स जो है वो बारो किया गया है और कुछ चीजें लिखी गई हैं। आर एनी आउटसाइड पावर्स, या किसी दूसरे कंट्री के द्वारा, किसी दूसरे शक्तियों के द्वारा ये इवॉल्व नहीं हुआ है। सोवेरियन सेकेंड वर्ड है, सोवेरियन, सोवेरियन का जो हिंदी मीनिंग होता है प्रभुता। इसका हिंदी मीनिंग प्रभुता। सोवेरियन से आप क्या समझते हैं, People have supreme right to make decision. लोगों के पास सुप्रीम अधिकार है क्या करने के लिए, अपना खुद का निर्णय लेने के लिए। On internal, किस पे, internal as well as external matters, जो internal matters हैं और external matters हैं। No external power can dictate the government of India. कोई भी external power है, external power का meaning है जैसे कि United States of America, रसिया, चाइना, ये कोई भी दूसरे जो देश हैं इनकी शक्तियां जो हैं ये हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं, या मेडल जिसको कहते हैं हम, मेडलिंग, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हमारे पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब होता है सोवेरियन, प्रभुता हमें प्राप्त है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है वेल्थ इज जनरेटेड। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो सोशलिस्ट टर्म है इसको बारो किया गया है रसिया से, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस टर्म को बारो किया है। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। जो धन है वो कैसे जनरेट किया जाएगा, सोशली, सामाजिक, लोगों के द्वारा, एंड should be shared equally by society, और जितनी सोसाइटी हैं उन सभी समाज के वर्गों को इक्वली शेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड,
एक सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में होती हैं, चाहे वो कैपिटलिस्ट कंट्री हो, चाहे वो मिक्सड इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशलिस्ट कंट्री हो, किसी भी तरह की कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे ऑलमोस्ट सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो होती हैं, सोशल और आर्थिक, सामाजिक आर्थिक जो इनइक्वालिटी असमानता है, वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में होती है। तो जो सोशलिस्ट कंट्री होती हैं उनका फंडा है कि वेल्थ को जनरेट सोशली किया जाएगा, शेयर्ड इक्वली बाई सोसाइटी, एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड। जो जमीन होगी वहां की, जो भूमि होगी, उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा ऑनरशिप कौन, स्टेट, एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लैंड और इंडस्ट्री, इन दोनों को रेगुलेट करेगा ऑनरशिप कौन, स्टेट, कंट्री के हाथ में होगी, जैसे चाइना एंड रसिया। रसिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ सेकुलर, सेकुलर वर्ड को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किया है तो वो लेक्चर्स वॉच करें। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को सेपरेट करता है अपने आप से। इसका मीनिंग है कि स्टेट और रिलीजन ये दोनों अलग हैं। स्टेट रिलीजन के मामले में कुछ पॉइंट्स पे इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन रिलीजन जो है स्टेट के मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सेकुलर जो टर्म है वो स्टेट और रिलीजन को अलग करता है। सेकुलर टर्म पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया 1976 का, उस समय सेकुलर वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इनकॉर्पोरेट किया गया। अब सवाल ये है कि सेकुलर टर्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं रखा गया था? इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि सेकुलर रिलीजन और स्टेट जो है दोनों सेपरेट बॉडी हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को अलग करता है स्टेट से, दैट्स वाई। लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 इनकॉर्पोरेट किया सेकुलर वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सेकुलर का क्या मीनिंग है, सिटीजन्स मीन्स यहां के जो नागरिक हैं, हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, ऑफिशियल रिलीजन स्टेट का नहीं है, या स्टेट को रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन्स रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट। सभी रिलीजियस जो विश्वास हैं और प्रैक्टिसेस हैं उन सभी को इक्वल दृष्टि से स्टेट जो है कि देखेगा। या हम कहें कि अगर 100% है कोई भी चीज, उसमें से हमने 10 रिलीजन है और 10 को 10-10 दे दिया, इस वे में सबको हम समान रूप से दे दिए, या हम कहें कि किसी को हमने कुछ भी नहीं दिया तो भी सबको हम इक्वल दृष्टि से देख रहे हैं, तो सेकुलर का मीनिंग यही है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब है, डेमोक्रेटिक का मैं मीनिंग बता चुका हूं, डेमोस मीन्स होता है पीपल, डेमो मीन्स क्या होता है, पीपल, इसका मीनिंग होता है। सेकंड होता है क्रेसी, क्रेसी क्रेटिक, क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, तंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग हुआ लोकतंत्र। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार का ऐसा रूप वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जहां पे सभी लोग एंजॉय करते हैं क्या, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक जो अधिकार हैं इक्वली एंजॉय करते हैं वहां के पीपल, डेमोक्रेटिक कंट्री के, मीन्स कोई भी चुनाव लड़ सकता है और कोई भी चुन करके पार्लियामेंट में जा सकता है। इलेक्ट देयर रूलर्स, इलेक्ट कर सकता है किसको, रूलर्स आर एडमिनिस्ट्रेटर को, एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और वो जिनको इलेक्ट करके भेजा जा रहा है वो अकाउंटेबल, उत्तरदायी होंगे लोगों के प्रति।
जैसे मैं स्टेट लेवल पे बात करूं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वहां पे आपने सपोज किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम एमएलए कहते हैं उसको आपने इलेक्ट करके भेजा, आपके एरिया में कोई भी पुल या कुछ भी हो, सड़क का निर्माण अच्छा नहीं हुआ, तो वो एमएलए जो है उस 5 साल के ड्यूरेशन में या जब तक वो रहता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है। आप उससे सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ का रोड कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर नहीं आ रहा है पीने के लिए, पाइप्ड वाटर नहीं है, ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हैं एमएलए से, क्योंकि वो आपके कंस्टिट्यूएंसी से, एरिया से बिलोंग करता है। इसी तरह से आपकी जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी होंगी, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी अकाउंटेबल होता है लोगों के लिए, आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स, और गवर्नमेंट कैसे चलती है, रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स। इफ वी सी इन इंडियन कंटेक्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है रूल्स, उसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट चलती है। पॉइंट सिक्स, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजिशन। हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज एन इलेक्टेड पर्सन। अभी अभी रिसेंटली आप देखे होंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ जिसमें भारत के राष्ट्रपति चुने गए, श्री रामनाथ कोविंद। तो ये एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, ना कि हेरिडेटरी पोजिशन है कि आपके जो पूर्वज थे तो आपको भी यहाँ पे राष्ट्रपति के पद पे बैठा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद इनको हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजिशन। ये कोई हेरिडेटरी पोजिशन नहीं है रिपब्लिक के टर्म में। जस्टिस, सिटीजन्स, ये रिपब्लिक कहाँ पे नहीं है, कंट्रीज लाइक भूटान, रॉयल भूटान गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, थाईलैंड की बात करूं, और कंट्रीज हैं बहुत सारी। जस्टिस, जस्टिस का क्या मीनिंग है, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जाएंगे, किस बेसिस पे, कास्ट उनकी जाति के बेसिस पे, रिलीजन धर्म के बेसिस पे, जेंडर उनके लिंग के बेसिस पे, इस बेसिस पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये किस में मेंशन है, प्रीएम्बल की कौन से पार्ट में, जस्टिस। सोशल इनइक्वालिटीज, जो समाज में असमानताएं हैं, हैव टू बी रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप। जिन लोगों को, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, मोस्टली जो एसटीएससी कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटीज हैं, ये लोग डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, तो गवर्नमेंट को इनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगा। ये कहां पे मेंशन है, जस्टिस में। लिबर्टी, लिबर्टी का क्या क्या मीनिंग है, लिबर्टी का हिंदी मीनिंग होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम। देर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्ट्स ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, उनके ऊपर कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या वो सोचते हैं, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, वो कैसे अपने थॉट को, विचारों को एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। सपोज अगर कोई पर्सन है, वो प्लान करता है कि मुझे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करने कहीं किसी दूसरे स्टेट में जाना है जहां पे अच्छी प्रिपरेशन होती है, वो अपना एक्सप्रेस कर रहा है थॉट, तो उसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है कि बीच में आकर ये नहीं कहेगा कि नहीं, तुम अपनी प्रिपरेशन करने नहीं जा सकते हो। ये कौन से में मेंशन्ड है, प्रीएम्बल के पार्ट में, लिबर्टी, ये लिबर्टी पार्ट में मेंशन्ड है, जो प्रस्तावना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी मतलब समानता, और ये कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, जो पहले से चली आ रही समाज में असमानता है उसे खत्म होना चाहिए, ये इक्वालिटी में मेंशन्ड है। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल,
गवर्नमेंट जो सरकार है वो क्या करेगी, इंश्योर करेगी, सुनिश्चित करेगी इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए। फेटर्निटी, फेटर्निटी का क्या मीनिंग है, फेटर्निटी का हिंदी मीनिंग होता है भाईचारा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हम सभी को ऐसा बिहेव करना है जैसे हम किसी एक परिवार के सदस्य हैं। ये फेटर्निटी में मेंशन किया गया है, प्रस्तावना जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना है उसमें फेटर्निटी के पार्ट में मेंशन किया गया है कि हम सभी एक फैमिली के मेंबर हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, जो देश के नागरिक हैं, देशवासी हैं, उनको कोई भी इंफीरियर फील नहीं होना चाहिए या वो अपने आप में इंफीरियर फील ना करें कि हम इनसे अलग हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जितने पार्ट्स थे, जितना मीनिंग्स अंडरस्टैंड करना था प्रीएम्बल को समझने के लिए वो मैंने बता दिया। अब कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना है, जैसे क्लॉज आर्टिकल 339A, ऐसे कोष्टक में कुछ लिखा रहता है, ये क्लॉज है। क्लॉज का मतलब होता है खंड हिंदी में। अ डिस्टिंक्ट सेंक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का अलग से उसका जो सेक्शन है उसको हम कहते हैं क्लॉज। कंस्टिट्यूएंसी क्या है, वोटर्स इन ए जियोग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए आप वोट देते हैं किसी को इलेक्ट करने के लिए किसी जियोग्राफिकल एरिया में, वो क्या कहलाती है, कंस्टिट्यूएंसीज। दो और टर्म है, जनरल इलेक्शन, सबसे पहले जनरल इलेक्शन कब हुआ, 1951, ये एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आम चुनाव जो हुए सबसे पहले 1951 में हुए थे। जनरल इलेक्शन का क्या मीनिंग है, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। एक स्टेट का, सपोज किसी राज्य का, एमपी का मैं कह लेता हूं, जो इलेक्शंस होते हैं किसी भी सभी कंस्टिट्यूएंसीज में एक ही समय पे चुनाव होंगे वहां पे, वो एक या दो दिन का डिले हो सकता है, लेकिन जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम इधर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज देयर इज दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन, जो आम चुनाव होगा एक राज्य में एक ही समय पे होगा। बाई इलेक्शन, कभी कभी आप बाई इलेक्शन के बारे में भी सुनते हैं, बाई इलेक्शन का क्या मीनिंग है, बाई इलेक्शन का मीनिंग है उपचुनाव, हिंदी में इसका मीनिंग होता है उपचुनाव। ये उपचुनाव किस लिए होता है, किस केस में होता है, समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज बाई डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। ऐसी कंडीशन जब किसी का डेथ हो जाए, किसी मिनिस्टर का या कोई आपका एमएलए है या एमपीज हैं, इनकी रेजिग्नेशन, वो रिजाइन कर दे या उनका डेथ हो जाए, ऐसे केस में वैकेंसी हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसको फिल करने के लिए जो इलेक्शन होता है उसको हम कहते हैं उपचुनाव या बाई इलेक्शन। फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल लिस्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं आप चुनाव के समय में पाते हैं आप, आचार संहिता लग गया है, ऑफिस मेमोरेंडम, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनके बारे में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये जो वेरियस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, और ये बेसिक एनसीईआरटी का पार्ट है, इनको समझना यहाँ पे जरूरी है, इसके बाद ही आप एडवांस बुक में जा सकते हैं। और अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ नाइस डे।